अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अच्छी सेहत और ज़िंदगी के साथ, आमीन। तो जी आज मैं कर रही हूँ जी पूरे घर की क्लीनिंग। 2 दिन लगा के मैंने क्लीनिंग की है अच्छे से, क्योंकि मेड को तो छुट्टी दी हुई है, तो मैंने फिर खुद सारा किया 2 दिन लगा के अच्छे से। वीडियो भी मैंने शूट कर ली के सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे मैंने अपने मेड के बिना कैसे मैंने अपनी घर की क्लीनिंग की। तो शुक्र है कि अच्छे से हो गई जितनी मैंने की थी। तो अभी मैं कर रही हूँ झाड़ू दे रही हूँ सारी जगह पे। तो सुबह का वक्त है तो सुबह अच्छे से काम हो जाता है, इंसान को अच्छा फील हो रहा होता है, पॉजिटिविटी होती है इंसान में। तो जैसे आपने देखा मैंने कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले लिया, तो ये भी लेते रहना चाहिए अपने डॉक्टर की सजेशन पे जिसको ज़रूरत हो। ये नहीं कि किसी को देखा तो शुरू कर लिया, नहीं, अपने डॉक्टर से पूछ के कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप उसको रोज़ाना की डेली बेसिस पे आप उसको लें तो आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के जो काम होते हैं ना, वज़नी काम होते हैं, फिर अगर आपके हड्डियां कमज़ोर हैं या कुछ भी आप में कमी है तो आप वो नहीं कर सकते। आप थोड़ा सा काम करेंगे आप थक जाएंगे या आपको कोई दर्द निकल आएगी, कोई बल पड़ जाएगा, तो इस तरह होता है। तो ये चीज़ें लेते रहना चाहिए, तो मैं ज़रूर लेती हूँ, तो आपके साथ भी मैंने इसलिए शेयर किया ये चीज़ें। तो अभी ये मैं सारे किचन के कैबिन साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। मैंने डिटॉल पानी में ना थोड़ा सा डिटॉल के 2 ड्रॉप्स डाल के ना उनको स्प्रे बॉटल में डाल के उनसे मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया। तो आजकल ज़रा एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो रही है ये वायरस की वजह से, वहम की बिना पे एक्स्ट्रा क्लीनिंग हो रही है। तो मैं डिटॉल से ये चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। और वैसे मैंने फ़र्श वग़ैरह धोया था पानी में डिटॉल डाल के, सर्फ़ डाल के ना वो उससे धोया था। एक्स्ट्रा मैंने कोई क्लीनर वगैरह नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में, लेकिन इस वक्त मैं नहीं ले रही क्योंकि बजट भी थोड़ा लो है। तो क्या ज़रूरत है जब काम चल रहा है, डिटॉल के ड्रॉप डाले थोड़े से और सर्फ जो हम यूज़ करते हैं कपड़े धोने में वो डालो और सारा वैसे ही साफ़ हो जाता है। तो जी ये अभी मैं टीवी ट्रॉली साफ़ कर रही हूँ। डस्टिंग मैं एक दिन मैंने सारा झाड़ू पोंछा किया और दूसरे दिन मैंने सारी डस्टिंग की, तो इस तरह मेरा सारा काम हो गया। तो रूम में एक चीज़ भी अगर आपको गलत गंदी नज़र आ रही हो ना, मट्टी थोड़ी सी भी धूल मट्टी, तो पूरा रूम गंदा लगता है। ये ट्रॉली ये इस तरह की है, ये ब्लैक कलर की मैंने ली थी, ये मेरी पसंद की ट्रॉली है। इस तरह की बड़ी पहली दफ़ा जब हमने ली, पहली दफ़ा ये मार्केट में इस तरह की आई हुई थी, तो मैंने ली ब्लैक करके। तो ये ब्लैक इस तरह की थोड़ी सी भी इस पर धूल मट्टी आ जाए तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इसको हर रोज़ साफ़ करने वाली होती है ये, कि हर रोज़ इसको साफ़ किया जाए तो फिर ये ठीक रहती है। जी अभी मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल की तरफ। एक बार इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, अब मैं इस पे ड्राई कपड़ा फेर रही हूँ अच्छे से। तो ये मेरी अम्मी की शादी का ड्रेसिंग टेबल है, माशाल्लाह से अभी तक ये इसकी जो लकड़ी है ना बहुत अभी भी शाइनिंग करती है,
आज तक इस तरह का फर्नीचर अभी मैं रिसेंटली मतलब कि आज के दौर में इस तरह का फर्नीचर नहीं देखती कि इस तरह की शाइनिंग हो फर्नीचर में। बहुत अच्छा ये फर्नीचर है। तो इसका नाम मुझे इस टाइम जहन में नहीं आ रहा। मम्मी बताती हैं कि वो वाली है लकड़ी, वो वाली है जिसमें शाइनिंग और कीड़ा वगैरह नहीं लगता इस पर, तो वो है ये। तो मैं बता रही थी कि सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है, इंसान पॉजिटिव फील करता है। तो हमें चाहिए कि सुबह के वक्त जब हम उठें या किसी भी वक्त आप कह लें, सूर्य बकरा की तलावत लगानी चाहिए। किसी भी तरह की घर में नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, तो वो ख़त्म हो जाती है। वैसे भी तलावत लगानी चाहिए। और अगर घर में कोई बीमार है तो सूर्य रहमान उसको 3 दफ़ा दिन में सुबह दोपहर शाम सुनानी चाहिए मरीज़ को। तो सूर्य बकरा की तलावत आप इस तरह लगाएं कि आप हर कमरे में उसकी आवाज़ जानी चाहिए। अगर इस तरह पॉसिबल नहीं है तो जिस पे आप लगाया हुआ है आप हर कमरे में लेके जाएं, मोबाइल पे या लैपटॉप पे, हर कमरे में मतलब कि वो तलावत होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं लगाती हूँ ज़रूर, तो ये चीज़ ठीक रहती है। तो अभी मैं कर रही हूँ जिस फ्रिज की क्लीनिंग, बाहर से अंदर से मैंने क्लीनिंग इसकी कर दी है। वो मैं आपके साथ फिर किसी दिन डिटेल में शेयर करूँगी। आज का व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा होने वाला है, तो ये मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। अल्लाह करे सारी जगह हालात अच्छे हो जाएं। बहुत अजीब सा फील होता है, नॉर्मल रूटीन में लाइफ आ जाए। बार बार हाथ धोना, हर चीज़ बार बार धो के लेना, तो बहुत अजीब सा लगता है। आजकल बहुत अजीब सी फीलिंग हुई हुई है। काम करने का दिल नहीं करता, कुछ भी दिल नहीं करता, तो अजीब सी तबीयत है। तो अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो जाए। रमज़ान भी आने वाला है, अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हमें माफ़ फरमा दे और अल्लाह ताला इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म कर दे, बस यही दुआ है। तो अभी जी मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। तो ये जी अवन को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। एक दफ़ा मैंने कर लिया, अब दोबारा से इसको कपड़ा कर रही हूँ, फेर रही हूँ। जी क्लीनिंग मेरी सारी हो गई है, ये देख सकते हैं। ड्राइंग रूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। बहुत सुकून मिलता है जब इंसान को अच्छे से इंसान का काम कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं चलती हूँ, कुछ खा पी लेती हूँ। बहुत ही शदीद मुझे भूख लग रही है। तो आज बना था जी चना पुलाव लंच में, तो अम्मी ने बनाया था, बहुत मज़े का बना था। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अभी मैं कर रही हूँ अपना लंच इंजॉय। तो आप जाइए मेरा व्लॉग देखिए और उसको लाइक शेयर कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों का, और घर में रहें और बस केयर करते रहें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।